शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इन बीसीएन और सिटी न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। चर्चाओं का दौर दिन ब दिन चल रहा है और आज कुछ एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ में जो मौजूद है वो चर्चा करेंगे कुछ टेक्निकल विषय पर। विषय जो है, कल सरकार ने जो चाइनीज एप्स पर बैन लगाया है, लगभग 59 जो एप्स थे चाइनीज ऐप, उस पर बैन लगा, तो ये सरकार ने झटकों की शुरुआत कर दी है चाइना के लिए। क्या इसके असर होंगे और ये क्या ये सही वक्त था या इसके पहले हो जाने चाहिए, इन चर्चाओं के दौर के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, आइए मैं बारी बारी उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में है विकास चौधरी जी, पूना से है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विकास जी जो है वो सीईओ और फाउंडर है हैकर्स एरा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी पुणे से। हमारे साथ में पारस अशाह सर जो है इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर हैक बर्ड प्राइवेट लिमिटेड पुणे से, और हमारे साथ में नागपुर से तौफिक जी, आप भी साइबर एक्सपर्ट हैं। न्यूज पैनलिस्ट हमारे साथ में डॉक्टर चंदू सोजातिया जी सिटी न्यूज अमरावती से, और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। डॉक्टर आलोक जी और आप सभी का मैं इस बार स्वागत करता हूं। और सीधा हम यंग जनरेशन की तरफ चलते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं, मैं सीधा विकास जी के पास में आता हूं। विकास जी, कैसा देखते हैं सर आप ये चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगी है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है, प्राइवेसी इशू जिससे बहुत हद तक कम होगी। जो अभी we cannot trust the enemy country, not an enemy country, you cannot trust the opposite country. So the Chinese apps को ban करना बहुत ही जरूरी था और ये लेट से हो गया, इसको जल्दी करना था लेकिन बहुत लेट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। ऐप ये जो डाउन ये जो ऐप जो बंदी की, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐप हैं क्या विकास जी जो ban करना चाहिए? फिलहाल तो अभी यही है, लेकिन बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, जैसे हार्डवेयर Xiaomi फोन जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हो हार्डवेयर। So, अभी ऐप तो ऐप इज अ सॉफ्टवेयर थिंग, सॉफ्टवेयर तो बैन हो गए लेकिन हार्डवेयर की वजह से हार्डवेयर से भी पुश किया जा सकता है मालवेयर। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दूसरे बहुत सारे ऐप है, पेटीएम वगैरह में ज्यादा वहां की ये है, उसके अलावा झूम जो वापरते वो भी उसमें, तो इन सबको भी ये भी चाइनीज है क्या? पेटीएम इन्वेस्टर 197 कंपनी जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, तो पेटीएम में इन्वेस्टर है चाइना के, अब कितने परसेंट स्टेक होल्डर है चाइना के, सो वी हैव टू स्टडी बिजनेस अबाउट दिस वन। बस फिलहाल अभी गवर्नमेंट उन्हीं लोगों के एप्स पे ये 69A लागू किया है जो पायरेसी इश्यूज थे। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा विकास जी देश को हमारे? अभी फिलहाल अभी आप लेट्स टॉक अबाउट द टिकटॉक। टिकटॉक इज चाइनीज ओरिजिन एप्लीकेशंस। सो अभी टिकटॉक, व्हाई टिकटॉक इज टेकिंग परमिशन ऑफ मैसेजेस, टिकटॉक मैसेज क्यों रीड कर रहा है? टिकटॉक को तो कोई रिलेशन नहीं है मैसेजेस से। So, ये सब अभी फॉर एग्जाम्पल डेटा सेलिंग्स और डेटा ब्रोकर्स जो होते थे, अभी जितने भी डेटा ब्रोकर्स हैं जो हमारी कंट्रीज के डेटा जो रिवील करते थे, अभी जूम की बात कर रहे थे आप लास्ट टाइम, आई थिंक 1 month बिफोर जूम पे एक कॉन्वर्जेशन हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री से, और वो उनके वो एक आईडी जो था वो प्रिवेंटेड नहीं था, उस पर कोई भी ज्वाइन कर सकता था, उनके कम्युनिकेशन को इजिली देख सकते थे चाइनीज सर्वर्स डिक्रिप्ट करके। तो ये इशूज होते हैं, ये हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में इसके अलावा? हाँ, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को काम भी करना पड़ेगा इस पे टू डेवलप समथिंग न्यू, जॉब्स क्रिएट होंगे इससे, बिजनेसेस क्रिएट होंगे। क्या यंग जो यंग पारस जी, आप कैसे देखते हैं इस व्यू, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ आप नेशन की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो तो जो भी हाई कमांडिंग ऑफिसर्स रहते हैं, अगर उनके मोबाइल में इसमें से कोई भी एक ऐप रहा तो यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग द एंटायर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सो ये जो बैन किया है वो बिल्कुल सही है, और अगर यूथ का है तो यूथ के लिए, अगर मेक इन इंडिया की तरफ से इंडिया के कोई स्टार्टअप्स हो जो अगर वो कुछ डेवलप करे सिमिलर प्लेटफॉर्म, तो वो दोनों मतलब एज पर फ्रॉम इंडिया के लिए और यूथ के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जी तौफिक जी की तरफ मैं आना चाहूंगा। तौफिक जी, जैसे कि अभी पारस जी बता रहे थे कि यंग जनरेशन को एक एक आदि हो गई है टिकटॉक स्टार से सर इंडिया में, तो अब ये टिकटॉक के बंद होने से, बैन होने से उनके दिल पर क्या गुजरेगी? जी, तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी चीज बैन करने के पहले, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हमारे पास देखना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट है उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि चाइना के फोन बैन होना चाहिए, पर आप ये भी देखिए 90 सेकंड में चाइना का सेल भी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, हम लोग परचेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है।
बेटर ऑप्शन नहीं है जी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें कि जो एप्लीकेशन बैन हुए हैं, स्पेशली टिकटॉक जो बैन हुआ है, अगर आप टिकटॉक की बात करें या कोई भी जो एप्लीकेशन जो बैन हो रहे हैं, तो ये देखें कि मेरे व्यू से देखा जाए तो पहले ये चेक करें कि टेक्निकलिटी क्या फ्लॉज हैं। जैसे हम टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक में एक सबसे बड़ा जो फ्लॉ मिला था वो ये मिला था कि आपके जो कीबोर्ड होती है, जो की स्ट्रोक होती है, उसे वो कैप्चर करता था। जैसे कोई अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में किसी तरह का चैट करते हैं, चैट करते समय आप जो भी उसमें टाइप करते हैं वो क्लिपबोर्ड कॉपी होता था और वो टिकटॉक के सर्वर में स्टोर होता था, जिसका कुछ ही टाइम पहले टिकटॉक ने ये रिवील किया है कि हाँ वो एक बग था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे क्या टिकटॉक को ये पहले पता नहीं था कि ये बग है, क्या टिकटॉक के ध्यान में ये पहले नहीं आया? पहले उसे पता था कि ये चीजें हैं, पर उन्होंने वो चीज निकाली नहीं, वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। तो कोई भी एप्लीकेशन रिमूव करने के पहले उसके फ्लॉज निकाले जाते हैं। इंटेंशनली ऐसा किया गया जी। ओके, तो हम जो बात करें कि जो अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो पहले सर कैसा होता था कि जो वॉर होते थे वो कैसे होते थे कि आप फिजिकली वॉर होते थे, हम वर्चुअली वॉर हो रहे हैं। अभी हम देखें कि हम लोग अपग्रेड हो गए हैं, पहले हम लोग जो है तलवार होती थी, फिर धीरे धीरे अपग्रेड हुए, फिर वेपन्स अपग्रेड, बॉर्डर लाइन पे एक वॉर होता था। हाँ होता था, अब चेंज हो गया, अभी एक एक रेड वॉर हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब वर्चुअली हम वॉर करते हैं, हम उनकी साइड सैक करते हैं, वो हमारी साइड सैक करते हैं। पर अब ये देखें कि किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालना या किसी भी पर्सन को अगर कंट्रोल करना, तो सबसे ईजिएस्ट वे क्या होगा, उसका फोन का एक्सेस लेना। अगर आपके फोन का एक्सेस ले लिया जाए तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आप ही को पता है, वो एक हैकर के पास या किसी एक पर्सन के पास चली जाएगी। चाइना एग्जैक्टली वही कर रहा है। चाइना ने यही किया है कि पहले अपने डिवाइसेस सेल किया। आप अगर कुछ टाइम पे एक समय पहले एक न्यूज पढ़ी होगी जिसके अंदर में टिकटॉक के सेलफोन भी आए थे, जो टिकटॉक बनाने वालों के लिए स्पेशली रिलीज किया गया था। तो टिकटॉक ने ना केवल सॉफ्टवेयर बल्कि उन्होंने एक सेलफोन भी निकाले। तो चाइना सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही नहीं दे रहा है बल्कि आपको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में आपका सारा डेटा भी ले रहा है। ठीक है चंदू सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जो कुछ भी चीज अचानक बंद हो गई तो उसका साइकोमेट्रिक लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ा है, खास करके यूथ के ऊपर में, क्या इसको भी यूथ जनरेशन जो है देशभक्ति के अनुसार लेगी, मतलब फेवरेबल लेगी कि नहीं, चलो अच्छा हुआ, या उनका हाथ से एक एंटरटेनमेंट अचानक चला गया तो उनके ऊपर में इसका साइकोमेट्रिक लेवल पर बुरा असर पड़ सकता? नहीं, ऑलरेडी चाइना के प्रति पूरे इंडिया के लोगों के मन में ऑलरेडी ये भाव पहले ही जगा चुके कि चाइना हमारा दुश्मन है। लेकिन सर टिकटॉक अभी भी चल रहा था ना, लोगों ने निकाला नहीं ना अपनी तरफ से। मैं इससे पहले भी अपनी जब चाइना को लेकर बात हुई थी कि सरकार के तरफ से पहला कुछ तो प्रयास होना चाहिए, उसके बाद ही जनता पूरी उनके साथ में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार एक कदम चले जनता 10 कदम साथ में चलने को तैयार, ये हमने देखा। अभी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विरोध का स्वर नहीं उतर रहा कि 59 ऐप सरकार ने अचानक क्यों बंद कर दिए, यानी जनता पूरी तरह साथ में है। और जैसे बताया कि इसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, लेकिन जितने भी ऐप बंद किए उससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के किसी के भी काम में कोई भी अड़चन पड़ती होगी या कोई भी काम रुकता होगा या उसका जीना दुभर हो गया कि अब मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, वो पैनिक हो गया कि मुझे ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, ये ऐसा कुछ इसमें होना नहीं है। कहीं पे भी जो 168 ऐप अभी किए हैं उसमें भी देखो कई ऐप उन्होंने छोड़ दिए, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से संबंधित कई सारे ऐप है जो उनको अपन फॉलोअप करें वो छोड़ दिए। ये वो ऐप है जिसका बंद करने से अचानक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ दिन हो सकता कि लोग उसको जो आदत पड़ी वो नहीं, और टिकटॉक वगैरह जो हो रहा है कि धीरे धीरे इनको क्या बंद करने के भी प्रोसेस है, और बंद करने का भी मुख्य कारण हमारे सामने चाइना का वार, जो अभी चाइना के हमारे वो बॉर्डर पे जो झड़प हो गई थी उसके बाद में उठा हुआ आक्रोश, उसके कारण यह है, और उसके पीछे कारण यह दिया कि वो इसके माध्यम से हमारी साइबर सिक्योरिटी को चोट पहुंचाएगा और सारी की सारी चीजें वो अपने वहां पे ले जाएगा। जैसे अभी बताया इन्होंने कि भाई बक्स बना दिए, बनाया जाता अचानक नहीं आता, ये सब ऑलरेडी डेवलप किया जाता है और ये डाटा पूरा बेचा जाता है हैकर्स को, पूरा का पूरा जो भी उनकी पॉलिसी होगी सब हैकर्स को बेचना, सरकार को बेचना। अब सरकार उसमें चाइनीज सरकार टिकटॉक के साथ में कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं पता, वो कंपनी कर रही है चाइनीज सरकार कर रही है ये भी हमको पता नहीं, लेकिन जो ऐप का हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा एक फ्लो था, लोग एडिक्ट हो गए थे उसके,
और उसके कारण बहुत सारी दूसरी चीजें भी डेवलपमेंट अपने यहाँ का रुक गया था। जो हमारे यहाँ की हम संस्कृति की बात करें तो कहीं तो भी एक हमारा जो डायवर्शन था दूसरी तरफ जा रहा था। टिकटॉक के वीडियो हम लोग घर में बैठ के साथ में नहीं देख सकते, ऐसे टिकटॉक के वीडियो झूम पे कई ऐसी मीटिंग्स हो गई है जो बताई नहीं जा सकती, यानी ये इसका दुरुपयोग भी हुआ है साथ में सदुपयोग। तो खैर इसमें एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन जब सरकार ने बैन किया तो पूरे देश में बताया कि आपको कहीं से भी इसका विरोध नहीं, जनता ने इसको एक्सेप्ट किया, सरकार का पहला कदम। और रहा दूसरे डिवाइसेस की बात जो कर रहे थे हार्डवेयर की, ये हार्डवेयर हमने परचेस किया, ये हमारा हो गया, अब उसको कैसे वापरना कैसे नहीं वापरना ये हमारे ऊपर। और सारी बातें जब चलती है इतना हो रहा है तो सरकार की साइबर सिक्योरिटी जो हम इतने सारे बात करते हैं कि सबसे बढ़िया हैकर्स हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ का पूरा जो इंजीनियरिंग पूरा एक्सपोर्ट होता है, यहाँ का टैलेंट एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाके यही लोग साइबर सिक्योरिटी में पूरा काम करते हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी टाइट करते हैं। तो सरकार ने उस समय ये प्रयत्न, चाहे जो सरकार में किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, ये प्रयत्न उस समय टिकटॉक आने के समय उस समय क्यों नहीं अपनी प्रायोरिटी डाली? चाइना कोई ऐप दूसरा यूज नहीं करता, उसके यहाँ की सिक्योरिटी आप ले नहीं सकते। सबसे ज्यादा ऐप यूज होने की जगह ही भारत है, भारत में बहुत ज्यादा हर व्यक्ति, क्यों फुकट में मिलता है, नहीं यहाँ फुकट में मिली हुई कोई भी चीज वापरी जाती है। हम बचपन में मुझे याद है एक जगह आंखों की चेकिंग हो रही थी तो मेरा दोस्त बोले चल आंखों की चेकिंग करा लेंगे, मतलब अपने को काम नहीं है, फुकट में हो रही क्या काम, बोले करा लेंगे और क्या। तो फुकट में कोई भी चीज, आंखों में दवाई भी डालने को तैयार रहते, फुकट में मिलती, क्या परिणाम होगा उसका पता नहीं। तो ये यहाँ की मनस्थिति है अपने भारत की, जब तक आप दूसरा फ्री का ऐप उसको सब्स्टिट्यूट प्रॉपर लाके नहीं दोगे उसकी आदत जाएगी ना। ठीक है, सख्ती से आपने बैन कर दिया, अब उसमें से हट जाएगा, अब फोन हो गया खाली, तो इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट है हमारे यहाँ के लोगों को उतना स्कोप देना चाहिए, उतनी सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे पिछले बार भी उन्होंने बताया था कि वहाँ का 980 के प्रोडक्ट का कॉस्ट यदि हमारे 950 में देता है तो 30 रुपए वहाँ की सरकार उसको सब्सिडी देती है। तो ऐसे जो चीज की उपयोगिता है, एनकरेजमेंट, यूथ को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। करीब एक अकेले टिकटॉक से 700 करोड़ का टिकटॉक कंपनी को भारत से अकेले से नुकसान हुआ है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है सरकार का, चीनी को जो अभी हमारे यहाँ पे पूरे फैले हुए हैं पूरे हर यंग स्पेस में, उनको दबाने के लिए। बाकी कितना सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगी, क्योंकि क्या है इसके पीछे इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यदि चाइना हमारे 20 आदमी नहीं मारता तो क्या हम ये स्टेप लेते थे? इसलिए उनको जरूरी है कुछ उनकी गलती करना जब हमको समझ में आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये चीज तो पहले भी हो सकती है, जैसे भाई साहब ने बताया कि इसको पहले ही बैन कर दिया जाए, मैं तो बैन के बजाय इसको अप्रूवल ही नहीं करना चाहिए। कहीं जगह मैंने भी वही बात की थी कि हम लोग अप्रूवल ही क्यों किया था इसका। नहीं अप्रूवल मांगता ही नहीं ना कोई, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आप ये तीनों एक्सपर्ट बताएंगे कि ये कोई किसी को ऐप लॉन्च करना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है क्या कहीं है? मुझे कहीं ऐसे क्योंकि यहाँ बहुत सारे कहीं तौफिक जी बता रहे जी। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो मेक श्योर कि वो जो एप्लीकेशन है वो गूगल की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली बनी रहे। अगर उसके अकॉर्डिंगली आपका एप्लीकेशन फिट होता है तो आप वो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में होस्ट कर सकते हैं या उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी वर्ल्ड वाइड उस पर्सन उस स्टोर पर जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। रही बात उसकी वैलिडेशन की, तो देखिए पहले ही गूगल ने कई सारे गाइडलाइन निकाली हुई है। गूगल ऑलरेडी चेक करता रहता है, गूगल प्ले स्टोर चेक करता रहता है आपका कि कौन सा एप्लीकेशन मैलिशियस है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो जिसको जरूरत नहीं है लोकेशन की पर वो लोकेशन मांग रहा है आपकी, है ना। तो कई सारी चीज सर ऐसी होती है कि जो स्पाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम बॉट कहते हैं। जैसे मुझे अगर आपका फोन रिमोटली एक्सेस करना पड़े तो मैं आपको एक लिंक या एक एप्लीकेशन दूंगा, अगर आपने वो इंस्टॉल कर लिया तो आपके फोन का सारा एक्सेस मेरे पास आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा एप्लीकेशन करता क्या है? करता यही है कि जब मैं उसे इंस्टॉल करता हूं तो वो खुद मुझे बोलता है कि आई वुड लाइक टू एक्सेस लोकेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, SMS। हम उसे अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद में अप्रूव नहीं करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होता ना, इंस्टॉल नहीं होता है। तो सर ये देखें कि जब आप कोई मल्टीमीडिया वाला एप्लीकेशन, या मान लीजिए कि अभी आजकल ना फ्री का नेटफ्लिक्स, एक मॉड नेटफ्लिक्स वर्जन चल रहा है, अब नेटफ्लिक्स पेड एप्लीकेशन है। अब गूगल में अगर फ्री नेटफ्लिक्स कर सर्च करें तो आपको फ्री के API मिल जाएंगे, जो जिसमें यह लिखा होगा कि इसमें विदाउट एनी क्रेडेंशियल आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग ऐसे APK डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इतने एक्साइटेड होते हैं कि मैं इंस्टॉल करने के बाद ये मूवी देखूंगा, ये सीरीज देखूंगा, उसमें आप इतने एक्साइटेड होते हैं कि आप ये परमिशन नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से अलाउ कर देते हैं जिसकी वजह से कई सारे ऐसे एक्सेस चले जाते हैं जो नहीं जाने चाहिए।
रही बात चाइनीज ऐप की, सर आप एक चीज नोटिस करें कि सारे जो चाइनीज ऐप हैं वो इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्या भारत में या यूएस में या बाकी कंट्रीज में डेवलपर्स नहीं है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइनीज के ऐप जो पॉपुलर है उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि वो फ्री होते हैं, दूसरा बड़ा रीजन होता है सर ये बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं। अभी देखिए अभी शेयर इट बैन हो चुका है, अब बहुत सारे लोग इसमें है कि मुझे सुबह से मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर सब्स्टिट्यूट बताइए अगर शेयर इट बैन हो तो हम कैसे शेयर करें। अब गूगल का भी एप्लीकेशन है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, वो ज्यादा सिक्योर है, फास्ट है, पर लोगों के लिए वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। ओके राइट, तो ये चीज होती है कि हम लोग एडिक्ट इसलिए हो चुके हैं, जबकि अभी देखिए जो 59 जो ऐप जो ब्लॉक हुए हैं इसमें से आप मैक्सिमम ऐप आपको पता है क्योंकि आप उसे यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि उसके जो सब्स्टिट्यूट है वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है और ये जो ऐप से ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो हमको अभी जो एप्लीकेशन जो बनाने वाले हैं या जो डेवलपर बनाएंगे जो उसके ऑप्शन जो हमको मिलने वाले हैं, मेक श्योर कि वो सारे ऐसे हो कि जो इजीली एक्सेस हो पाए, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी उसे इजीली हैंडल कर पाए, ऐसे एप्लीकेशन बने। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं विकास जी, क्या ये एप्लीकेशन भारत में, एक मिनट ना, बात चल रही थी अभी जहां मेरे से, मैं कह रहा था कि कंट्रोल नहीं है, जैसे तौफीक भाई ने बताया कि कंट्रोल गूगल का है, तो क्या हम डीप गूगल पे पूरी हमारी सिक्योरिटी डिपेंड करते हैं पूरे भारत की? भारत का गूगल से कोई कांटेक्ट नहीं है कि हमारे यहाँ कोई चीज आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमसे भी कुछ परमिशन लो कर? मैं भारत गवर्नमेंट, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात, हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं। गूगल वर्ल्ड वाइड अपनी सारी टेस्टिंग देखता है और वो वर्ल्ड वाइड परमिशन अलाउड कर, ठीक है गूगल ने परमिट कर दिया, लेकिन क्या गूगल ने परमिट किया तो गूगल को चाइना में भी, फिर चाइना में कहाँ अपने चलते, चाइना ने अपनी सिक्योरिटी अलग से करके रखी है, नहीं होते सारे के सारे। मैं वो बात कर रहा था कि कर रहा है, जैसे आपने एक बताया कि भाई मेरा भी ये प्रश्न था कि आखिर चाइना क्यों, तो इजीली अवेलेबल, एक क्लिक, सिंगल क्लिक पर सारा आपका इजी एक्सेस, इजी टू हैंडल, आपको सिंगल क्लिक चाहिए, सिंगल विंडो काम चाहिए, एक बार में काम चाहिए सारा, कहीं उसके एक्सेस करके उसमें हमको ईमेल भी एड्रेस भरना पड़ता हमका, क्योंकि तो हम वो ऐप को बाजू में कर देते, जो बोलता सीधा डायरेक्ट सीधा। अभी तो कैसा है, फेसबुक से अलाउ कर दो, गूगल से अलाउ कर दो, जीमेल से अलाउ कर दो, आप वो कोई ना आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी तो हमें बाजू में कर देते। तो जो ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एक बार गूगल को दी जा चुकी है तो वो ऐप भी वो कलेक्ट कर लेता है, और गूगल के साथ में तो हमारा आधार कार्ड भी है ना, आधार कार्ड में कौन सी आपके बैंक के, बैंक से सारी इन्फॉर्मेशन रुकी हुई है, हैकर्स तो कहीं पे भी जाएगा, आप आपके मोबाइल पे क्यों, आधार कार्ड ले लिया तो आपका मोबाइल आपके पास ऐसी सारी चीजें हैक कर लेता हूँ, हैक करने को। तो सिक्योरिटी हमारे यहाँ की टाइट करना ज्यादा जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने प्रयास करने चाहिए, और ऐसे समय पे यदि ऐसे ऐप हो तो आते समय, अब जो हो गया ठीक है, आते समय तो भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ऐप का भारत में लॉन्चिंग करते समय बिना परमिशन, विकास जी आपके पास में, बिना इसके कोई भी इसको अलाउ नहीं करे, ताकि जो आज हमको 160 ऐप बंद करने के कदम उठाने पड़े, ठीक है अभी चाइना का सामने था और भी कोई देश का रहेगा, क्योंकि पड़ोसी कर देश की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि कोई भी ऐप रहे, किसी भी देश का रहे, लेकिन देश की सिक्योरिटी को हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे देश के अंदर का ही ऐप क्यों ना रहे, उसमें देश की सिक्योरिटी जो है पहले होनी चाहिए। विकास जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, अभी आपने अभी देश की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, जी जी, चाइना, अभी लेट्स चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना जो है वो अपने मिलिट्री साइज को रिड्यूस कर रही है अभी फिलहाल, और वो जितने भी पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, साइबर टेररिज्म में इन्वेस्ट कर रही है, साइबर वॉरफेयर में इन्वेस्ट कर रही है जितने भी पैसे हैं। अभी लास्ट वीक आपने देखा होगा कि 40,000 साइबर अटैक्स हुए थे 5 दिन के अंदर में। तो ये जो प्लानिंग था बंद होने का, ऐप के बंद होने का, 59 ऐप्स का, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस में था। मैं आपको कुछ कंट्रोल्स, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, फिर आपको सर्ट इन है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, तो उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया चाइनीज ऐप को बंद करने का। ओके विकास जी, मुझे ये बताइए कि अगर मैंने एक ऐप बनाया है तो क्या मुझे सरकार से परमिशन लेना होगी उसकी? अभी गूगल प्ले स्टोर जो गूगल की प्रॉपर्टी है, अभी सरकार का कोई प्रॉपर्टी नहीं है गूगल स्टोर। तो एक इंटरनेट सेंसरशिप होना जरूरी है यहाँ पे, जो अभी फिलहाल नहीं है। तो क्या गूगल से हम लोग हमारा ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ कोई भी ऐप लॉन्च करना है तो बिना हमारे प्रायोरिटी परमिशन न डाले, क्योंकि नहीं है तो नहीं करे, गूगल पूरा गूगल बंद करो हमारे यहाँ पे,
देश की सिक्योरिटी का जहां सवाल आता गूगल के ऊपर में कोई गाइडलाइन नहीं है क्या कि देश के भारत में वो किस तरह के ऐप को डायरेक्ट करे? मतलब आज हमारे साथ चाइनीज परेशान कर रहा, कल हो सकता है गूगल हमको प्रेशर करे। हम क्या क्यों नहीं पॉलिसी बनाते, क्यों पॉलिसी बनाते? हम क्या, देश के देश की सिक्योरिटी को किस पैमाने पर हम लोग फिर ये कहीं ना कहीं तो फिर साइबर अटैक होते ही रहेंगे, चाहे चाइना से करे या कोई और करे। हाँ तौफीक जी, जी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट का चंदू सर ने, गूगल को बैन करने की बात या गूगल से जो खतरा जो हमें हो सकता है, आज चाइना से कल गूगल से भी हो सकता है ना। जी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात की सर आपसे। मैं कुछ इसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि जो 59 ऐप्स थे वो सारे के सारे ऐप्स हमारे नोन ऐप थे, मैक्सिमम ऐप नोन थे, और हमें उस ऐप के बैन होने के बाद कई लोगों को लगता है कि अरे इसका सब्स्टिट्यूट हमें पता नहीं है, तो कैसे, हम बहुत परेशान हो गए कुछ लोग। ठीक है, अब देखिए आप गूगल की बात कर रहे हैं तो आप गूगल देखिए, गूगल मैप्स हैं जिसके पास आपका सारा लोकेशन है, आप कहाँ जाते हैं, कौन सा ऑफिस, हर एक मूव और उसकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, सारा मूव आपका है, आपका जीमेल, आपका मेल आईडी। ठीक है, आप क्या क्या सर्च करते हैं वो सारा उसके पास होता है। आप ये देखें कि आपकी सारी चीज जो है गूगल के पास है, तो एक पर्सन की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको खुद को उतना याद नहीं होता उतना आज गूगल के पास है। एनीवे गूगल ये हमेशा क्लेम करता है कि हम किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते जैसे एप्पल करता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता कि जैसे कई बार फेसबुक में भी ऐसे क्लेम हुए हैं कि फेसबुक आपका डेटा स्टोर करता है, डेटा ब्रीच हो गया है। इसी तरीके से जैसे ये चाइनीज ऐप हमें स्पाई कर रहे थे, तो क्या पता कई सारे ऐसे ऐप, जैसे हम गूगल की बात करें, अगर कल को गूगल के साथ कुछ ऐसा हो जाए, यूएस के साथ कुछ हो जाए, गूगल हमें बैन, गूगल हमें स्पाई करना शुरू कर दे, तो आप ये देखें कि जितने भी भारतीय हैं हर किसी के साथ एंड्रॉइड फोन है, तो उसके पास तो वो सारा एक्सेस है जो चाइनीज के पास भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे स्थिति में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे जी, दैट्स व्हाई द इंटरनेट सेंसरशिप इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इंडिया में इंटरनेट सेंसरशिप बहुत रिक्वायर्ड है, बिकॉज हमारी अभी हमारे यहाँ तो पड़ोसी से भी नहीं बनती है, अभी चाइना पाकिस्तान हो गया जो भी है, यूएसए किस किस को देती है, अभी 10 साल पहले तो यूएसए इज डीलिंग विद पाकिस्तान, फिर उसके बाद अभी ना चाइना के साथ उनकी थोड़ी झड़प हुई है, लेकिन डेटा जो गूगल है, गूगल की ऑलरेडी बहुत बनती है चाइना की। तो मेरा ये कहना, चलिए पारस जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये सारे देशों से, सारे विदेशों से हमें खतरा है, चाहे फिर ये भी, तो क्यों ना जो देश की जो यूथ जनरेशन है वो अपने आईटी में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो कि ये सारे ऐप का जो सब्स्टिट्यूट है यहीं से निकले। तो दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने कहा था कि यूथ का सपोर्ट, तो बीच में एक टिकटॉक वॉर स्टार्ट हो गया था, जो टिकटॉक की रेटिंग 4.3 के अबाव थी वो रेटिंग 1.0 पे आ गई थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूथ का कितना सपोर्ट है इसमें। और सेकंड थिंग जो आप बोल रहे कि जैसे कि गूगल के पास हमारा सबसे क्रिटिकल डेटा है, तो इसके लिए जितने भी सर्विसेज पे हम डिपेंडेंट है, वो आज अगर हम आज से उसको विद इन इंडिया, विद इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको रेस करें, तो वो सबसे क्रिटिकल रहे, मतलब क्रूशल रहेगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो भी स्टार्टअप है, अगर गवर्नमेंट उनको कुछ पुशअप करे या सपोर्ट करे, और वो जैसे कि हमारा खुद का इंडिया का खुद का सर्च इंजिन हो, खुद की ईमेल सर्विस हो, या खुद का सिमिलर प्लेटफॉर्म टू यूट्यूब, ऐसा रहे, तो जो भी डेटा है उस पर हमारा इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। मतलब जो भी डेटा सेलिंग होता है या उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, या हमने बहुत सारे केसेस सुने थे कैम्ब्रिज एनालिटिक्स का, जो सुना था हमने यूएस इलेक्शंस के वक्त, तो ये सारी चीजें आगे जाके नहीं होगी। और उसके लिए अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर जैसे हमने चाइना के लिए किया है वैसे हम बाकी सर्विसेज के लिए खुद इंडिया में स्टार्ट करें, तो ये आगे जाके हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। विकास जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अभी अभी आपने मद्रास हाईकोर्ट का टिकटॉक पर जो बैन था वो आपने रीड किया होगा, आई होप। जो बैन था आई थिंक 1 वीक के लिए ही बैन था, बट इसमें लॉस था टिकटॉक कंपनीज को, बहुत बड़ी लॉस थी उसमें, आई थिंक $5 million लॉस था विद इन अ वीक। तो अभी ये जो बैन है ये अभी अभी एट अ पॉइंट ऑफ देखेंगे वार पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा है। अभी चाइनीज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा चाइनीज को एट अ वार पॉइंट ऑफ व्यू। यस, अगर ये चाइनीज सरकार को अगर इसमें कहीं ना कहीं खतरा लगता है, तो अब तक जो चल रहा था उसका काफी सारा डाटा तो ऑलरेडी उनके पास में स्टोर रहा होगा,
तो क्या इसका एडवर्स इफेक्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट हो सकता है इंडियन पॉपुलेशन पे कहिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए कहिए? रत्नाकर जी, इसके बजाय जो डाटा ऑलरेडी उनके पास में गया है, हमारे पास, हमारे इसमें टिकटॉक था, तो हम ऐसा क्या करें हमारे मोबाइल में कि वो डाटा उनके पास में काम में नहीं आया? लेकिन इसके पहले क्या उसका खतरा हो सकता है क्या, ये तो पहले जानना जरूरी है। अगर खतरा हो सकता है तो फिर उस पर क्या उपाय? नहीं, खतरा तो डाटा है, तो कुछ ना कुछ कभी भी कर सकता है डाटा का। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं विकास जी, क्या कर सकते हैं? बोलो, अभी जितने भी पर्सनल डेटा है, जो भी चाइनीज एप्स है जो कलेक्ट किया है डेटा, जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी चले गए, मान लेते हैं कि चले गए, तो इस केस में तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट वो अभी बिजनेस नहीं कर सकते, वो पुश नहीं कर सकते, एड्स पुश नहीं कर सकते। अभी चाइनीज एप्स अगर बंद हो गए तो मैलवेयर पुश नहीं कर सकते। नेक्स्ट मीन्स प्रिवेंटेशन हुआ, अभी जस्ट जो चले गए उसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ नहीं, मतलब मेरा ये कहना, आपने जो कहा कि एक फाइनेंशियल लॉसेस, कमर्शियल लॉसेस जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट को होगा, दैट इज अनदर थिंग, बट अपना जो डाटा उनके पास में गया है उसका कुछ गलत इस्तेमाल होने के चांसेस है। मेरे मोबाइल का सारा डाटा उनके पास में, मेरा आधार कार्ड नंबर, बैंक नंबर, चला, तो उसका कुछ मिसयूज कर सकते हैं क्या वो? अब जब उसका ऐप मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है, वो मेरा डाटा उनके पास में है, मेरी सारी सिक्योरिटी उनके पास में है, तो मेरा, हाँ, ऐप नहीं है लेकिन मेरा डाटा, वो मेरे लिए कुछ नुकसान हो सकता है। मैंने इस्तेमाल किया था, चंदू जी के पास में मोबाइल था, उन्होंने अब तक टिकटॉक यूज किया या चाइनीज ऐप यूज किए, अब जब ये हुआ तो उन्होंने सब अनइंस्टॉल कर रहे, लेकिन जैसा कि हम लोग बात कर रहे कि वो डाटा चाइनीज के पास में ऑलरेडी स्टोर है, तो क्या चंदू जी के पर्सनल लाइफ पर उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? विकास जी, पर्सनल लाइफ पे तो फिलहाल नहीं, बहुत कम है, बिकॉज अभी जितने भी लेट्स से मिलिट्री पीपल्स है, फॉर एग्जांपल अगर आर्मी पीपल अगर वो टिकटॉक यूज करते हैं तो उनका लाइव लोकेशन, उनके सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑब्वियसली देशभक्त लोग हैं वो सर कुछ ना कुछ आर्मी रिलेटेड सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं, तो उनकी लोकेशन प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइजली कलेक्ट कर सकते थे जो भी टिकटॉक्स वगैरह था, और वो गवर्नमेंट को शेयर कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे लाइव आर्मी है, बट अभी वो नहीं कर सकते हैं। और रही बात नॉर्मल पीपल की, तो अभी डेटा किस लिए कलेक्ट करते हैं? टू पुश समथिंग, टू सेल आउट, जो डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं वो कलेक्ट करना होता है बेसिकली फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज, सी, प्रमोशनल एक्टिविटीज अ डिफरेंट थिंग, एंड हैकिंग डाटा फॉर विथ अ रॉन्ग इंट्यूशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे मेरे बैंक का पासवर्ड, बैंक का अकाउंट ले लिया, तो किसी को बेच के वो बेच सकते हैं क्या? वो यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे मोबाइल में तो था मेरा, जैसे आपने बताया कीबोर्ड भी वो रिकॉर्ड कर लेता है, तो कीबोर्ड में मेरा पासवर्ड भी चले गया उसके पास में, तो क्या वो, क्या वो व्यक्तिगत मेरे फाइनेंशियल चीज पे अटैक कर सकते हैं क्या? अभी जितने भी साइबर अटैक्स लॉन्च होते हैं वो कम्प्लीटली फॉर द फाइनेंस के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए होगा, आईटी सेक्टर्स के लिए, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, किसी पर्सनल लेवल पर अटैक नहीं होंगे। पर्सनल लेवल पर फिशिंग्स हो सकते हैं, आपके पैसे वे भी डेबिट हो सकते हैं, क्रेडिट, ये हो सकते हैं, बस वही किसी को यदि डाटा सेल करते हैं तो फिशिंग वाली एक्टिविटी अभी भी हो सकती है, जबकि मेरे पास ऐप नहीं है। यस, तो हम उसके लिए क्या करें? हम ये चाहते हैं, देखो अब अपनी चर्चा जहाँ आ रही, जिस चीज के लिए हम आज चर्चा जाके करें, जिसने ऑलरेडी ऐप कर लिया तो आगे उसको नुकसान क्या, सारे पासवर्ड चेंज करें, सारे सब चीजें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या सिक्योरिटी चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो डाटा उसके लिए निरस्त हो जाए? मेन थिंग, कोई भी अगर अनवांटेड लिंक्स आपको ईमेल्स आते हैं, अनवांटेड एसएमएस आते हैं, उन पे आप एक्ट ना करें। नहीं, ये फ्यूचर की बात हो गई, जो चलेगा उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा मेरा पास, मान लीजिए मेरे विकास जी, मेरा हाँ, तौफिक जी, हम जो पूछना चाह रहे हैं वो ध्यान में आ रहा है। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बैंक का जो ट्रांजेक्शन है उसका यूजर नेम और पासवर्ड मान लीजिए उनके पास में चला गया है अभी तक, अब मेरे पास में, अब तो अब मैंने क्या करना चाहिए ताकि वो उसका मिसयूज ना कर सके? तो सबसे पहले जैसे चंदू सर ने भी दो बार रिपीट किया इस चीज को कि अगर मेरा डेटा उनके आम जनता के परसेप्शन से मैं पूछ रहा हूं तो हमें क्या करना चाहिए? जी 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 जी, सबसे पहले तो ये देखें कि उस चीज का यूज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि चाइनीज जो कंपनीज हैं वो ये एनालाइज कर सकती है कि इंडियन क्या सर्च करते हैं, उनके पासवर्ड पैटर्न्स क्या होते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती है, एक ये चीज इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, क्योंकि उनके पास आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपके आप सर्च करते हो सब डिटेल उनके पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि आपका फोन का एक्सेस उनके पास ऑलरेडी है। सेकंड पॉइंट, जो आपने कहा कि मेरा डेटा या मेरे क्रेडेंशियल्स उनके पास हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर यूजर नेम पासवर्ड उनके पास जा चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने अगर सारे चाइनीज ऐप रिमूव कर दिया है, सबसे पहले आपको आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पासवर्ड चेंज करने चाहिए।
उसका सर रीजन ये है कि सबसे पहले तो अटैक फाइनेंशियली होगा, जो भी चीजें आपकी कलेक्ट की गई है, जो डेटा गैदर हुआ है, वो सेल कहाँ होगा? वो सेल होता है डार्क नेट पे, जहां पे एक सेलर आता है और बायर आता है और आपका सारा डेटा सेल कर देता है। डार्क नेट क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। डार्क नेट क्या होता है दर्शकों को? जी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ, एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। जी देखिए, जैसे हमारा एक मार्केट होता है जहाँ पे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो कई एरिया में चोर बाजार होता है, आपने देखा होगा, राइट? डार्कनेट में ऐसी चीज होती है कि, जी, तो डार्कनेट एक ऐसा एरिया है, आप इसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे ऐसी चीजें जो होती है जो इलीगल होती है, जहाँ पे हैकर ही सेलर होता है और हैकर ही खरीदार होता है। ये एक सिंपल लैंग्वेज समझने के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक ब्लैक मार्केट है जहाँ पे आप सब चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अगर आपका जो डेटा होता है, आप अभी देखिए, अभी और वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना, उसमें विशेष सबसे बड़ी विशेष डार्क इसलिए बोला जाता है, जी हाँ, कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सौदा करते हैं और सौदा करके निकल जाते हैं, और आइडेंटिटी उनकी डिस्क्लोज नहीं होती, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। जी हाँ, और इसमें बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होते हैं ताकि आपका जो ट्रैकिंग ना हो कि ये किधर कहाँ से था ये पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि इन्फोर्समेंट लोग, एजेंसीज के लोग रहते हैं जो डार्कनेट में जाते हैं और हमें कुछ खरीदने का कोशिश करते हैं, उनको मतलब लगता है कि यहाँ से कोई ड्रग सप्लाई हो रहा है या कुछ इलीगल वेपन्स यहाँ से जाने वाले हैं, तो वहां से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ट्रांजेक्शन भी बिटकॉइंस में होता है ताकि ट्रैक ना हो सके। तो सर कैसा होता है कि जो चीजें आपका, जो मान लीजिए आपका कोई बैंक का यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो आपका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो आपके जैसे कई सारे लोग होंगे जिनका अकाउंट होगा और उन्होंने फोन पे ऐसा कोई ऐप डाला होगा जिनसे वो भी इसी डर में है कि उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो सर ऐसा हो सकता है कि आपके जैसे जितने भी लोगों के डिटेल उनके पास में है, वो डार्कनेट में जाके बेचते हैं, और जिन्होंने खरीदा है वो लोग ट्राई करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या फिशिंग के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन निकाल के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जी, और वो देश के अंदर में ही होंगे ये लोग शायद। ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकते हैं। नहीं, यानी चाइना के होंगे ऐसा नहीं है बात। अभी आज हमने चाइना का जो ऐप हम लोगों ने वनसाइड बैन किए, निश्चित रूप से चाइना ने हमारे साथ में जो अभी बॉर्डर पे हरकत की उसको लेके ये परिणाम है, लेकिन साथ में पिछली बार जो साइबर के हमले हो रहे थे, निश्चित रूप से ऐप ने बताया कि सबके ऐप भी है, ये माध्यम उसका हो सकता है हमारा डाटा पूरा पूरा लेने के। डाटा का क्या यूज होगा नहीं होगा, जैसे आपने बताया पर्सनल व्यक्ति थोड़ा उसका बैंकिंग सेक्टर के अलावा उसका कोई विशेष नुकसान नहीं होता, लेकिन ये कोई सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस में रहे तो यदि उसके इसमें डाटा रहे तो सरकार को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट विल बी अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज विद द नेशनल सिक्योरिटी। उनकी प्लानिंग जा सकती है, कई इंडस्ट्रीज की प्लानिंग जा सकती है, रिसर्च उनका जा सकता है, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अब क्या लगता है, 160 ऐप डाउनलोड करीब करीब हटा दिए गए, नहीं है, करीब करीब 50 करोड़ लोगों के आसपास का डाटा इसमें से निकल गया, 50 करोड़ लोग अभी चाइना से सिक्योरिटी, क्या साइबर हमले आगे नहीं होंगे? अभी अभी क्या है ना, हाँ अभी अभी क्या है कि जैसे अब टिकटॉक की बात करते हैं, टिकटॉक 120 मिलियन यूजर्स ऑलमोस्ट इंडिया में। सो हाँ, अभी जितने लोग जीमेल से साइन इन किए हैं ट्विटर टिकटॉक में, गूगल प्ले टोकन, हाँ, तो उनके जो टोकन जो ऑथेंटिकेशन टोकन होते हैं वो टिकटॉक के पास ऑलरेडी है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं एज आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अभी इसका प्रिवेंटेशन क्या होगा अगर आप इंस्टॉल कर, बीमारी तो हो गई, अब उपायों की बात करते हैं, बताइए बताइए। हाँ, तो अगर लेट्स से कि बहुत सारे कंपनीज का डेटा लीक होता है, ऑफिशियली लीक होता है डेटा, कि बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी ब्रीच हो गई, तो उस केस में आपके आप क्या आप चेक कर सकते हो कि आपका ईमेल कभी कॉम्प्रोमाइज डेटा में है या नहीं है। अगर अगर है तो अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए, पूरा पासवर्ड चेंज कर दीजिए, जो भी अपने सेट किया है। कैसे मालूम पड़ेगा ये, कैसे मालूम पड़ेगा? के लिए एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, ये आप कस्टमर यूजर्स को बता। रत्नाकर भाई, इनकी लिंक लेके नीचे इसमें मैसेज में डाल, इसमें अपनी आप एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल देना, हाँ एक बार बोल दीजिए, मैं हमारे एडिटर जो इसको ऑनलाइन इसमें डाल देंगे, आप बोलिए। haveibeenpwned.com haveibeenpwned.com, तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है वो कभी कॉम्प्रोमाइज डेटा में था या नहीं है। जी, ये तो हो गया कि ऑफिशियल अगर डेटा ब्रीच होता है तो, लेकिन अगर कोई कंपनी डायरेक्टली वो शेयर करता है, लेट्स से वो किसी एजेंसीज को शेयर करता है, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को शेयर करता है,
तो उस केस में तो ये तो आप चेक नहीं कर सकते. इट्स अ हिडन थिंग. इस केस में आप जितना अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, जितना प्रिवेंट कर सकते हैं, जितना पासवर्ड बैंकिंग सेक्टर से पासवर्ड से जो भी है आप चेंज कर, रेगुलर चेंज कीजिए. हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि क्या हमने अपने बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है उसके पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहने चाहिए. नहीं विकास जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि मैं नेट बैंकिंग यूज नहीं करता हूँ. एक आम जनता का प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं नेट बैंकिंग यूज नहीं करता हूँ. और अगर मैं यूज नहीं करता हूँ लेकिन मेरा एटीएम का पासवर्ड बोलो, बाकी सब चीजें उसमें मोबाइल में है, सीवीवी नंबर वगैरह सब उसमें है, तो क्या वो हैक हो सकता है? मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आपको पता है गूगल का एक फोटोज एक एप्लीकेशन आता है, बैकअप सिस्टम आता है फोटोज करके, जो आपके फोटोज को बैकअप करता है, पूरे फोटेज को. और आप इमेजिन करो कि कोई यूजर है जो एक अपने कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड का फोटो रख लेता है फोन में, तो ऑब्वियसली वो फोटो सिंक हो जाएगा गूगल के फोटोज पे. और गूगल का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, से वो अभी फोटोज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर इजीली कर लेगा. अच्छा, तो अगर मान लेते हैं कि गूगल भी किसी कंपनी को डेटा सेल करता है, तो इस केस में आपका कार्ड भी रीसेल हो जाएगा. इतने सारे फोटो में कार्ड वो कैसे ढूंढ लेता है? कोई भी ऑटोमेटिक है और वो टेक्स्ट को इजिली कन्वर्ट कर लेंगे टेक्स्ट में, फोटोज को इजिली कन्वर्ट कर लेंगे टेक्स्ट में. ओके, सो इट्स मोर टेक्निकल बहुत डिटेल्स में है. अब वही फिर प्रश्न उठता है कि हम उपायों की अगर बात करें तो क्या उपाय आप सजेस्ट करते हो? एक पहली बात तो इन ऐप जो है 59 ऐप्स जो चलेगी उसका रिप्लेसमेंट कैसे आएगा? तो इसके पहले इंटेलिजेंस को ये अंदाजा नहीं था कि चाइनीज ऐप है और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं. कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. जूम एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, यहीं पे धोखा हो गया बेस्ट. लेकिन जूम का जो एक सर्वर था वो एक चाइना में भी सर्वर था, उसका जो डेटा वहां से रोटेट मतलब रॉट होके जाता था अमेरिका के पास. अभी फॉर एग्जांपल चाइनाज के पास लोकल सर्वर स्टोर है, तो वो इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हैं उसको. जो भी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था मिनिस्ट्री के, वो इजीली वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं. अभी जब जस्ट आप सोचो इन दैट केस आल्सो, अगर ये अमेरिकन बेस्ड सर्वर पे है या चाइनीज बेस्ड सर्वर पे है बट इट इज नॉट इंडियन, तो क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता था कि हम इन दोनों इस ऐप को किए बगैर उस ऑनलाइन मीटिंग को हम कंडक्ट कर सकते थे? अभी नमस्ते लॉन्च हो गया है तो नमस्ते हम यूज कर सकते हैं. जी, और कुछ ऐप्स आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो रेडीली अवेलेबल है? अभी शेयर इट और जेंडर बहुत फेमस था, तो आप अपने फोटोज एक दूसरे को शेयर करते थे, तो उसके लिए ना जियो स्विच करके एप्लीकेशन है, फाइल्स बाय गूगल है, तो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, फाइल्स बाय गूगल और जियो स्विच. जी, फिर आप जो आप स्कैन करते हैं, बहुत सारे लोग को आप स्कैन करते हैं, कैम स्कैनर जो था वो भी बैन हो चुका है अभी. हाँ, तो उसके लिए एडब स्कैन है, एडब स्कैन कागज स्कैनर है, माइक्रोसॉफ्ट का आइटम्स भी है बहुत, ठीक है, और डॉक स्कैनर भी है. ये सब मेड इन इंडिया है. नहीं विकास जी, थोड़ा सा कष्ट करिएगा अभी. अब सारी आप व्हाट्सएप पे लिंक करके हमको भेज दीजिए, हम हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देते कि भाई आपको ये ऐप क्या, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट ये पे है, यानी कैसा है, लोगों तक जिसको यूज करना वो सुविधा यूज कर ले उसकी, वो क्योंकि हर आदमी को यही परेशानी है. ठीक है, आपके परिचित आपको फोन करेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आम आदमी हर जगह नहीं जाता तो. और ये कार्यक्रम भी हमारा आम आदमियों के लिए ही है, ताकि आम आदमी को समझ में आए कि ऐप तो बंद हो चुके हैं, ऐप क्यों बंद हो चुके हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जैसे सुरक्षा. यस, मेन अभी आप अगर आप प्रेस रिलीज देखिएगा, जो आईटी सेक्टर का प्रेस रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका फर्स्ट लाइन ही है, विच आर प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंस इन इंडिया. So ये बस देश की सुरक्षा के लिए किया गया था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स एंड पब्लिक ऑर्डर, व्हिच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी लेवल. मुझे विकास जी एक चीज वापस पूछनी है आप तीनों से, कोई भी ऐप लॉन्च जब ये हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे हमारे कॉन्टेक्ट फोटो लोकेशन क्यों एक्सेस करता है? क्योंकि अभी जैसे आपने नमस्ते भारत बोला, इसमें भी ये चीजें जा रही है पूरी की पूरी.
अच्छा आप अभी कर रहे थे, हाँ बताइए क्यों क्यों ये क्यों भाई क्यों एक्सेस करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, और नहीं दे तो उनका क्या नुकसान, क्यों हमारा ऐप नहीं चलेगा? अभी फॉर एग्जांपल अभी अभी जो भी नमस्ते एप्लीकेशन लेते हैं जी, नमस्ते एप्लीकेशन एक हाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम वीडियो भी दिखाएंगे तो हमारा कैमरा एक्सेस लगेगा वहाँ पे जी, नहीं कैमरा एक्सेस नहीं, ये कॉन्टेक्ट एक्सेस, मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट ले लो, सबके कॉन्टेक्ट क्यों ले भाई? हाँ, अभी अभी प्रॉब्लम अभी अभी आप इंडियन ये भी तो आखिर डाटा करेगा ही ना, ये नहीं करेगा ये कल किसी चाइनीज कंपनी से अपना करेगा, किसी फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेशन कर ले, खतरा तो इसमें होता है जितना चाइनीज कंपनी से, फिर यस अभी डाटा तो मेरे यहाँ पे, डाटा तो मेरे यहाँ पे भी चोरी हो सकता है। नहीं चंदू जी मैं बताऊँ, ये जो आपको फ्री में दे रहे हैं ना, तो उनको क्या मिल रहा है, ये प्रश्न का जवाब ये है कि डाटा मिल रहा है। हाँ, आपको जो भी चीज फ्री में दी जा रही है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि भाई आगे चेक करा रहे हैं तो हम चेक वो नहीं नहीं जैसे जैसे झूम हम लोग फ्री का यूज नहीं कर रहे ना, हम पेड कर रहे हैं उसको, नहीं नहीं भी कांटेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट को भी मांगता है टू सम एक्सटेंट, तो हम लोगों ने फ्री में यूज कर लिया ना उसको, जब आप उसके आदी हो गए, जब आप उसके आदी हो गए तब आपको पेमेंट भरना पड़ा। मैंने मैंने सीधा पेड वर्षन ही लिया था, तो भी कॉन्टेक्ट पूछा ना उसने, कॉन्टेक्ट पूछा है ना, इंस्टॉल कर, अभी इंस्टॉल करना, पेड नहीं अनपेड तो बाद में पूछेगा वो। कोई भी चीज फ्री हो, कोई यस कोई भी चीज फ्री हो, बेसिकली कंपनी बेवकूफ नहीं है, वो फ्री नहीं दे, उनके लिए आप एक प्रोडक्ट हो। एग्जैक्टली आप एक प्रोडक्ट हो, ताकि आपके आपके नाम आपके लिए मार्केटिंग के रिसोर्सेस वो बेच के प्रमोशनल एक्टिविटीज डिफरेंट सोर्सेस से जनरेट करती है। सही है, क्या 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 फर्क रहेगा किसी भी ऐप में, हम चाइनीज ऐप कर रहे हैं, ठीक है चाइना से हमको हमारे सामने भी, सिर्फ हम ये मान के चले कि हमारा डाटा फिलहाल देश के ऐप के साथ में सुरक्षित है, ये मान के चले, नहीं डाटा सुरक्षित नहीं साहब, चाइनीज नहीं कर रहे, हमारा देश सुरक्षित, बात देश की कर रहे हैं अभी, हम देश की बात, हम तो हमारा फोन तो वैसे ही असुरक्षित है जैसे पहले था वैसे। अच्छा, ये जो सर्वर के एक बेसिक सर्वर की बात कर रहे थे, जैसे नमस्ते भारत जो है या जो भी नाम शायद मैं सही नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इनके सर्वर सिर्फ इंडिया में ही है क्या, इस बात की कंफर्मेशन है? हाँ, ये जूम के बाद ही इंडिया में लोकेटेड हुए हैं सर्वर। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रस्ट इश्यूज, आप अपने घर को ट्रस्ट कर सकते हैं बट पड़ोसी को नहीं कर सकते हैं। नहीं, घर में भी कहाँ ट्रस्ट होता है सर, आप जब घर में आप अपने आप अपना मोबाइल यूज करते हो तो उसको छुपा के रखते हो ताकि आपकी बीवी को भी पता ना चले और किसी को भी ना चले। अब मन में पाप रहेगा तो क्या हो सकता है यार, उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। ये आपने बहुत पते की बात करी डॉक्टर आलोक जी, लेकिन ये इस विषय पर चर्चा हम सेशन के बाद में कर सकते हैं। तौफीक जी कुछ बोले फिर मैं आता हूँ, फिर तौफीक आप जी। हाँ हाँ बोलिए पारस जी, आपको भी कुछ बोलना है, आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तौफीक जी की बात सुन के भी पारस जी की तरफ आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो एप्लीकेशंस की, जैसे विकास सर बता रहे थे हमें एप्लीकेशन के बारे में, तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि देखिए जब भी कोई भी एप्लीकेशन जो डिजाइन होता है तो जो लेट क्यों पता चला, जैसे या फिर जो चंदू सर ने कहा कि वो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो सर कई कई बार ये भी होता है कि जब आप जूम या ऐसे किसी ऐप का यूज कर रहे हैं जिससे आप कॉल करते हैं, तो सर उसको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो उसी कॉन्टेक्ट नेम्स को लेकर डायरेक्टली आप उनके कॉल एक कर सकते हैं, लाइक वो अगर आप उनको एक्सेस देंगे तो वो उस कॉन्टेक्ट डिटेल से ही कॉल कर लेंगे। He can identify, the front person can identify कि किससे मुझे कॉन्टेक्ट हो रहा है। नहीं, वापस आप समझाइए, अच्छा सर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लोग जोमेटो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें आप कहेंगे कि परमिशन क्यों चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि फूड आपके घर पे डिलीवर हो तो आपको लोकेशन शेयर करना ही पड़ेगा, अगर आप डिनाई कर देंगे तो जो व्यक्ति है जो ऑर्डर ले रहा है वो आपका लोकेशन नहीं देख पाएगा, राइट। सिमिलरली जब आप नमस्ते जो भारत ऐप है या अपने वेबिक्स ऐप है या जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल मीट है या जूम ऐप है, ऐसे कई सारे ऐप हैं जिससे आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ये सारे ऐप इंस्टॉल करते समय आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इसलिए ही मांगता है क्योंकि जब आप उन्हें अलाउ करते हैं, और मान लीजिए हमारा नंबर एक्सचेंज है और हम उस नंबर पे ही आपस में बात करना चाहते हैं उस ऐप के जरिए, तो वो एक्सेस कर सके। जैसे जोमेटो में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको लोकेशन शेयर करनी है, अनलेस यू विल नॉट शेयर योर लोकेशन। नहीं, मेरे कॉन्टेक्ट मेरे मोबाइल में 5000 कॉन्टेक्ट्स है जी,
बराबर है, लेकिन 5,000 के अलावा अलग मेरे को ज्वाइन करना है झूम तो ज्वाइन हो जाता है, बिल्कुल झूम कोई रोकता नहीं। मेरे 5,000 कांटेक्ट करने की क्या जरूरत है उसको, उसको अलाउ करने की क्या जरूरत है, उसका क्या काम? मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर ले लीजिए ना आप, 5,000 कांटेक्ट क्यों मेरे ले रहा है वो, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। वो जोमेटो को 5,000 कांटेक्ट से मेरा क्या करना, लोकेशन ठीक है समझ में आता है उसको आना है तो जब इसका मतलब की हम लोग सभी ऐप एक तरीके है ना साहब चंदू जी, आप जब 5,000 कॉन्टेक्ट शेयर कर रहे हो तो 5,000 कस्टमर बेस दे रहे हो ना जोमेटो को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसका नाम लें। इसका मतलब यही है क्या जो चंदू जी समझ रहे हैं या हम समझ रहे हैं? विकास आप सुन पा रहे हैं? बेसिकली पारस वांट टू से समथिंग। हाँ यस पारस प्लीज। अभी जो सर ने कहा कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अभी कैसे रहता है देखो कि एक कोई ऐप है जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों ले रहा है, प्रोबेबली जैसे कि आप कोई भी रिचार्ज का ऐप कंसिडर करो तो उसको रिचार्ज करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक्सेस लगेगा। तो मे बी ऐसा हो कि कभी आपको किसी और जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो उसका रिचार्ज करना, इसके लिए कॉन्टैक्ट एक्सेस लगता है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स होंगे कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये सारे रीजन्स चेंज होते रहेंगे। जैसे कि कहीं कोई एप्लीकेशन हो, जैसे कि अभी हम इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले लें तो इंस्टाग्राम पे आप फोटोज शेयर करते हो, फोटोज क्लिक करते हो तो उसके लिए उसको कैमरा का एक्सेस लगेगा, कहाँ पे वो फोटोज क्लिक किया उसके लिए उसको लोकेशन का एक्सेस लगेगा। तो ये सारे एप्लीकेशन के फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर वो एक्सेस करेगा। सेकंड पॉइंट में ऐड करना आगे आपका ध्यान में, मुझे भारत को मेरे फोटो और वीडियो एक्सेस करने अलाउ करने का क्या जरूरत है उसको, मेरे क्यों फोटो एक्सेस करेगा, क्यों अलाउ करूं मैं उसको? लोकेशन समझ में आ गया मुझे, चलो भाई मैं कहां से बैठ के बात कर रहा, कुछ गलत कुछ करूं तो उसको ध्यान में आ गया यहां से बैठ के यहां से बात कर रहा था करके। ऐसे भी नहीं भी अलाउ करो तो मैं जिस इंटरनेट से बात कर रहा हूं वो मेरी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। लोकेशन ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरनेट आईपी से भी आपका हो जाएगा। मैं कहां से बैठ के कौन से कर रहा, क्यों मेरे क्यों फोटो सारे मेरे इसमें 10,000 हो सकता है, मेरे कुछ काम के हो, कुछ सिक्योरिटी के हो, मेरा व्यक्तिगत हो, क्यों एक्सेस करूं उसको? ये क्यों मानते हैं कोई भी एक्सेस? यस, के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं हो सकती क्या भाई? खतरा तो हमारे पास में सभी ऐप में उतना ही है, ये तो फिर हम ऐप इसमें ऑप्शन होने चाहिए कि वो अधिकार मुझे होना चाहिए कि किस ऐप के लिए कौन सी परमिशन मैंने देनी चाहिए। तो आपको 100 रुपए महीना लगेगा, आप फोटो एक्सेस नहीं करोगे तो आपको 100 रुपए महीना, आप ऑप्शन डालो ना उसमें, ऑप्शन तो मेरे पास में है ही नहीं। पेड अनपेड की तो बात की बात है, फ्री की बात तो बात की है, पहले तो इंस्टॉल करने की बात है, इंस्टॉल करते टाइम सारी चीजें पूछ लेता है वो, और कंपलसरी है ना, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो सभी एक्सेसरी के हो गए ना। अभी क्यों पारस जी? सर कैसा है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, जो भी एक्स्ट्रा है, मे बी एट द टाइम आप जब ऐप यूज कर रहे हो उस वक्त उसके लिए वो रिक्वायर नहीं है, वो फिर भी क्यों ले रहा है कि एक वो प्रोविजन करते हैं जो डेवलपर्स या वो कंपनी है उनको डेटा कलेक्ट करके एक प्रोविजन करने की। वही तो कह रहे हैं, हमको नहीं अलाउ करना है, हमको अलाउ नहीं करना तो एक्सेस नहीं करने देता ना वो। हाँ तो नहीं करने, हाँ तो नहीं नहीं कैसे, कोई कोई ऐप जो है जो अगर हम कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को डिनाई भी करें तो भी वो ऐप चलेगा, क्योंकि कैसा रहेगा उस वक्त उसको वो रिक्वायर नहीं है। ये क्या डेवलपर्स कंपनीज क्या करती है, प्रोविजन बना के रखती है कि आगे इन फ्यूचर में अगर हमें इस कस्टमर की ये इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर हो तो वो ऑलरेडी हमारे पास उस वक्त प्रेजेंट हो। और सेकेंड पॉइंट में उसकी वजह से डेटा चला गया या वो शेयर कर रहे थे, तो हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं और इंडियन सर्वर पे और इंडियन इंफ्रा के अंदर अगर सब कुछ रेज कर दिया तो उसकी सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हमने सब इंडियन इंफ्रा पे स्टोर कर दिया और बाहर के हैकर्स ने उसको अटैक करके सारा डेटा लेके गए। तो सम अथॉरिटीज हैज टू ऑथेंटिकेट इट एंड सम अथॉरिटी हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस, राइट? तो जो भी कंपनीज है उनको गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमने हमारे जो भी सर्वर से उसका सिक्योरिटी टेस्टिंग किया है और जो भी ऑडिट रिपोर्ट है या भी सिक्योरिटी रिपोर्ट है वो क्वार्टरली या 6 मंथ्स के बेसिस पे अपडेटेड और शेयर होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिसीज अगर हम लाए तो हम कह सकते कि हम सिक्योर है, नहीं तो सिर्फ हम कहेंगे कि हमने मेक इन इंडिया ऐप डेवलप किया है
लेकिन अगर वो उस पर अटैक होंगे तो डेटा ऑब्वियसली ब्रीच होगा, तो वो घूम फिर के हम वही पे आ जाएंगे फिर डेटा। करेक्ट करेक्ट, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। चलिए हमें कंक्लूजन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और कुछ अपने को गवर्नमेंट के आईटी सेक्टर के जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ में अपने को अभी एक डिस्कशन लेनी पड़ती, क्योंकि ये जी बिल्कुल बिल्कुल हम वहां के वही खड़े हैं, क्योंकि हाँ, हम तो सिर्फ देख रहे कर नहीं सकते, चाहे ऐप चाहे विदेशी बनाए या हम बनाए, लेकिन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज अगर होती है, अगर साइबर अटैक हमारी ऐप पर हुआ किसी विदेशी से, तो फिर हम क्या करेंगे। अभी अभी मैं रत्नाकर जी आपको बताऊं कि अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है जी। अभी अभी मैं आपको उदाहरण दूं, देर आए दुरुस्त आए, हम इतना बोल सकते हैं। बैन किया आपने, एक प्रोसेस आपने शुरू की है, अब दूसरी चीज क्या है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी जानता हूं। ये तो अभी हम डिफेंसिव की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज होती है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव वो तो हमने बात ही नहीं की है अभी, वो ऑफेंसिव में इसलिए विकास जी हंस रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही मुद्दा बोलने वाला था कि अब अटैक कैसे करना है, हाउ टू बी ऑफेंसिव। क्योंकि क्योंकि मैं ऑन कैमरा नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इजराइल कंपनी के साथ में इस विषय पे बैठा हूँ और मैंने वो ऑफेंसिव चीजों का लाइव डेमो देखा है। तो उसमें तो आपका कुछ चीज बचते ही नहीं है। वो देखने के बाद में तो मुझे लगा कि ये तो क्या हो रहा है, ये ऐसी चीजें हैं। विकास हो गया, पारस हो गया, तौफिक, ये लोग इस सब चीजों को जानते हैं जी। अभी तो हम तो क्या है कि ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और उसमें वो क्यों मांग रहा है, अभी इससे ऊपर बहुत वो दुनिया कहीं के कहीं पहुंच गई है। आम जनता की क्या तकलीफ है, आम जनता की क्या तकलीफ है, ठीक है। कंपनी सिक्योरिटी कंपनी वाइज सरकार वाइज जो सारा चलता है वो लेवल नहीं, नहीं, आम नहीं नहीं चंदू जी, आम जनता का ही प्रश्न है सिक्योरिटी है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि साइबर सिक्योरिटी जो आम जनता से, अभी जैसे आपने बताया कि भाई मेरा पासवर्ड ही उसमें है, तो ये तो डिफेंसिव बात कर रहे हैं। अगर वो ऑफेंसिव में अगर वही चीज आ जाती है तो आपको तो उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आपका डेटा निकाल लेगा। तो अभी तो हम डिफेंसिव की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। और उसमें तो वो फोटो भी स्कैन कर देता है, आपने आपके अगर फोटो उसमें गया वो और उसने आपके फोटो देख लिया आपके साथ में कौन थे, तो उसका भी डेटा दे देगा, यानी उस लेवल पे जा रही है जी। बराबर, अब इंसान नहीं खड़ा हो तब भी उसके बैंक अकाउंट ओपन हो जाते हैं। तो हाँ, तो अब हमको ये सोचना है इसमें कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसे होना चाहिए कि आप अगर कोई ऐप बना रहे हैं तो वो उसका अप्रूवल लेना है आपको, वो कहां पे यूज होगा, क्या होगा, एक लाइसेंसिंग सिस्टम इसमें होना चाहिए। yes. अभी कुछ नहीं है, मैं हूं, मैंने कुछ बनाया गूगल स्टोर, यानी अब मुझे बताइए कि एक जो भी आज के डिस्कशन में समझ में आया कि आज हमारा चाइना दुश्मन है इसलिए हम ये सोच रहे हैं, अब पता पड़ा यूएस दुश्मन हो जाए तब तो फिर आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। या और ये सिलसिला है सर, ये सिलसिला है, जो भी टेक्निकल आईटी सेक्टर्स में जो भी मास्टर्स हैं जिनके पास में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिनके पास में इतने बेहतर एप्लीकेशंस हैं, उन सब से कहीं ना कहीं हम लोगों को खतरा है ही। हम सरकार से यही कह सकते हैं कि विकास जैसे, तौफिक जैसे और पारस जैसे जो लोग हैं, ये हीरे जो हमारे पास में है, इन हीरो को हमको निखारना है और ये लोग तैयार हैं। करेक्ट, आपको इनको एक प्लेटफॉर्म देना होगा। अब ये हैकर सेरा चला रहे हैं, तौफीक है, पारस है, तो ये लोग जो अपने आप में बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको बुलाना होगा ना इनको, आप बुला नहीं रहे, आप अपने ऊपर से बुला के ऐसे ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को बुला के आप लोगों को, जैसे हमने तो एक चैनल के माध्यम से ये लिया है कि आम जनता को हम लोग कैसे एजुकेट कर पाए, इसलिए हमने मुद्दा लिया है। सरकार की ओर से अगर मैं बात करूं तो सरकार ने इन हीरो को साथ में बुलाना है, इनके साथ बैठना है और पॉलिसी बनाना है, और पॉलिसी बना। अब इन लोगों को 30-30, 40-40 देशों के लोग बुलाते हैं। अगर विकास विकास के बारे में, विकास को और पारस को मैं जानता हूं, तो इन लोगों को कई देश, मैं देश के नाम नहीं लूंगा, कई देशों में इनको बुलाया जाता है कि हमारे अटैक कैसे नहीं होंगे, आप हमें सजेस्ट करिए, आप हमें गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है, लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, आप हमारी पॉलिसी बुलाइए, और हमारे यहाँ से भाषण के लिए बुलाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हमारे, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और चंदू जी ने जैसा बोला कि अगले हम इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोगों को भी जुड़ना चाहेंगे, ऐसी जो बहुत जरूरी होगा सर, ये बहुत इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आप अभी आपने कहा कि ये हमारे हीरे हैं, जितने हमारे 3 यंग एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये सचमुच में हीरे हैं, आने वाले देश का उज्ज्वल भविष्य है, और किसी एक और बेहतर दिशा में आईटी सेक्टर के वहां पर ले जा सकते हैं। मैं बिल्कुल विकास जी आपको ही सुनने का इंतजार है, और हम कंक्लूजन के ऊपर में ही जा रहे हैं, तो आपको कंक्लूजन टिप्पणी के साथ में आपका कथन रखना पड़ेगा, क्योंकि समय की बड़ी कमी हमारे साथ में, आपसे शुरू करते हैं। बोलिए विकास जी। सो बेसिकली मैं एक लास्ट में एक नोट देना चाहता हूँ, जितने भी अगर मेक इन इंडिया पे हम फोकस करें कि मेक इन इंडिया ऐप हो हमारे,
तो जितने भी डेवलपर्स है जो भी परमिशन कलेक्ट करते हैं तो वहां पे वो क्लैरिफाई कर दे तो व्हाई वी आर टेकिंग दिस परमिशन, हम जो कॉन्टैक्ट ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्या यूज करेंगे ऐप में, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी एक बनी रहेगी, ट्रस्ट बना रहेगा, हम किसी और कंट्रीज के ऐप को यूज करना नहीं चाहेंगे फिर। डिक्लेरेशन जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन में हमसे लिया जाता है, तो एक डिक्लेरेशन वहां से भी आए कि दिस इज द डिक्लेरेशन व्हाई वी आर वी वांट योर डाटा एंड व्हिच दैट डाटा वी विल कीप सिक्योर एंड विल नॉट बी शेयर इन एनी मैनर विद एनी थर्ड पार्टी। इस तरह का कुछ इन एडिशन टू दिस इफ दिस इज शेयर्ड व्हाट पेनल्टी विल बी देयर गवर्नमेंट इंटेंशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी दैट शुड बी इंक्लूडेड। रत्नाकर जी ये तो सभी लोग बोल रहे हैं कि हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर होता है मिस यूज भी हो रहा है सही। चलिए इसमें साथ में वो क्लॉज रहेगा की वो क्लॉज होना चाहिए इसमें कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे ये कुछ ना कुछ कानून इसके लिए बनना चाहिए। हाँ तौफीक जी आपका कंक्लूजन नोट चाहेंगे। जी जी मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जैसे हम जैसे डिस्कशन किया कि आज चाइना के बाद जो हम बात करें कि गूगल के पास हमारा सारा एक्सेस है, तो मेरा पर्सनल बिलीव ऐसा है कि शायद हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको और गूगल को मिलके इंडिया के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें किस टाइप के एप्लीकेशन अलाउ होने चाहिए, किस टाइप के एप्लीकेशन डिनाय होने चाहिए, और किस टाइप के एप्लीकेशन जो है आने के बाद हम लोग रेक्टिफाई करें कि ये इस टाइप के कंटेंट मिलने पर एप्लीकेशन बैन कर दिए जाएंगे। तो इतना हम वेट ना करें कि कुछ एक्टिविटी हो चाइना की तरफ से, कल को यूएस की तरफ से या किसी और देश की तरफ से कुछ एक्टिविटी हो तभी हम उन्हें बैन करें, इसके पहले ही हम चीजें रेक्टिफाई करें कि ये सारे एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत खतरा है और हम इन्हें बैन कर लें। ठीक है पारस जी, जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा फीचर हो कि डिलीट माय ऑल रिकॉर्ड्स व्हाट यू हैव बीन, मतलब जो भी आपने स्टोर, इट्स रियली रियली ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट पॉइंट। चंदू जी आपके प्रश्न का जवाब यही है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, और ये सर्वर से सच में डिलीट होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ यूजर को दिखाएंगे कि हमने डिलीट कर दिया और सर्वर में अभी भी स्टोर है, तो ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट अगर होगा तो यूजर खुद सोच सकता है कि अभी मुझे ऐप अनइंस्टॉल करना है तो उससे पहले मैं अपना डेटा डिलीट करूं फिर आप मैं ऐप अनइंस्टॉल कर सकता हूं, उस ऐप के प्रति वो निशंक हो जाएगा और एकदम सिक्योर्ड माइंड से उस ऐप को वो, और सभी right. पूरी हम जितने भी यूजर्स है उसको यूज कर सकते हैं जी। राइट right. ठीक है चंदू जी कम शब्दों में आपकी टिप्पणी। सरकार ने बहुत सही समय पर जहां पूरे देश में हर व्यक्ति चाइना के अभी खिलाफ खड़ा था, ऐसे समय में चाइना का ऐप बंद करके एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन साथ में जितनी हमने पर्याय की बातें की इसी बहाने अब सारी के सारी गूगल से भी उसकी बातें जान ली जाए, जो भी हमारे पास में ऐसी सिक्योरिटी और ऐसे एजेंसी काम करती है सबको एक बार टटोल लिया जाए, और इसके लिए हो सके तो एक मंत्रालय भी बनाना पड़ सकता शायद, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं है। मैं वही बात कर रहा था कि मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है इन सब चीजों की अथॉरिटी, क्यों भारत में कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा इन चीजों की जानकारी के साथ में, और वहीं से यदि भारत सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि आपका डाटा मिसयूज नहीं किया जाएगा, एक डिक्लेरेशन काफी है, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सरकार को पहल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्र 16 ऐप को बैन करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता, हैकर्स कहीं पे भी किसी के भी माध्यम से आ सकता है, जरूरी नहीं उसको चाइना के ऐप ही हो, चाइना भी किसी दूसरे कंट्री के माध्यम से यदि उसको भारत में हैकिंग करना है तो कर सकता है, इसके लिए रोकने के लिए भी हमारे पास में प्रयास होना चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंटरनेट पे क्या चलता क्या नहीं चलता ये सबको पता है, और बहुत सारे क्राइम, ये तो ठीक है हम लोग तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़े क्राइम भी इसमें, ठगी के उसके फ्रॉड के बहुत सारे क्राइम, ये बहुत अलग बहुत डीप सब्जेक्ट है साइबर क्राइम का, बहुत कई तरीके से कहीं तो मॉनिटरिंग सब जगह साइबर पुलिस स्टेशन बना के रखे लेकिन जो इंस्पेक्टर रहता है उसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं मालूम रहता है, यहाँ तक सिर्फ 2-3 धारा याद रहती है कौन से धारा का कौन सा कानून रहता क्या रहता, इसके अलावा उनको जानकारी नहीं रहती। आप वहां पर जाओ कि मेरा साइबर, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं जुड़ा हुआ इसलिए चंदू जी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो साइबर क्राइम की बात की वहां पर अगर आपके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वहीं से कई उदाहरण मेरे पास में है जो लोगों के कि उनके जाने के बाद में वही पे बोल देते हैं कि आप कंप्लेंट जरूर कर दो लेकिन आपका अमाउंट रिफंड नहीं आता है,
नागपुर के दो केस में चलते चलते इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि दो साइबर अटैक हुए, दोनों इसमें उनके पैसे निकाले गए, लेकिन वो हैकर ने वो मानवीय आधार पर उनके पैसे रिटर्न कर दिए, जो इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, लेकिन अभी आपने चार दिन पहले ली थी उसमें बताया था कि 30 दिन तक बैंक की जिम्मेदारी बनती है ऐसा पैसा वापस देने की यदि आपका होता तो। पुलिस लेकिन क्या करती, पुलिस खुद के पास घुमाती, जबकि उन्होंने कहा कि पहली कंप्लेंट बैंक के पास होनी, बैंक में बैंक, ये अवेयरनेस की बात है, ये भी लोगों ना, लोगों जिसके पास आप उसका दिमाग काम नहीं करता उस समय, और सूचना ही नहीं लिखी रहती कि यदि आपका पैसा ऐसा फ्रॉड होगा तो आप यहाँ यहाँ कॉन्टेक्ट करो, ये सारी अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। अभी भी हमारे यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, आज भी इस वही कोशिश करें इस चैनल के माध्यम से सर, लोगों में अवेयरनेस करनी, लोगों में अवेयरनेस होने चाहिए, और जब तक अवेयरनेस नहीं होती ये सिक्योरिटी इतनी लागू भी नहीं करना चाहिए कि आप कैशलेस पूरी जिंदगी चलने दो ना, बैंक में खड़े रहकर लोग पैसे निकाल रहे हैं, क्यों आप कार्डलेस बात करते हो, नहीं ऐसा भी मत बोलिए, नहीं नहीं पहले पूरी तैयारी करिए साहब, लोगों को धार पे मत लगाए, पहले तैयारी करिए, पूरा एक कंट्रोल यूनिट करिए, मॉनिटरिंग करिए, जनता साथ में, जनता कहीं नहीं जा रही, जनता सरकार के हर निर्णय मानती है जी। ठीक है आलोक जी, आज का जो हमारा डिस्कशन था उसमें जो जनता को जो चीजें चाहिए थी कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल है वो विकास जी ने बताया। विकास जी से मैं चाहूंगा तौफिक से और पारस से कि ऐसे जो ऑप्शंस आप लोगों के पास में है तो वो आप लोग हमें बताइए, सो दैट हम जनता तक वो और डिटेल में पहुंचाए उन सब चीजों को। और जो थ्रेट जो है देश को, थ्रेट जो है साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट जो देश में है, हम आगे वाले दिनों में इस पे और 2-3 चर्चाएं करेंगे जी, और हम चाहेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स भी इसके जुड़े कुछ, और इस पे हम लोग बात करके एक अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे। और आज की जो चर्चा हुई उसमें बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस हमको मिले हैं, और मैं तो वही कह रहा था कि हमारे पास में हीरे हैं, और हीरे ने आज हमको इतने बड़े बड़े सोल्यूशन दे दिए, इसके लिए अगर हम गवर्नमेंट पेसेज पे जाए तो 1 महीना लग जाएंगे इस सोल्यूशन के लिए, डिस्कशन डिबेट और ये और वो इतना लंबा चलता है वो, जो यहाँ पे फ्री में मिल गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी पैनलिस्ट को, और इस प्रकार हम लोगों के साथ में वो आते रहे हमारे चैनल पे, और आपका कोई भी ऐसा सुझाव रहता है तो हम चाहेंगे कि वो जनता तक हम लोग पहुंचाएं। धन्यवाद आलोक जी, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी का स्वीकार ये आज की बात नहीं है, स्वतंत्रता के पहले से इस बात का स्वीकार और बहिष्कार ये बातें चलती आ रही है। आज वो समय है कि हम इन सब चीजों को जहां सरकार ने पहल कर दी तो हम भी इनिशिएटिव ले, और जब भी कोई हम बहुत मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं लेकिन यहां पर हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज का स्वीकार करना है, किस चीज का बहिष्कार करना है, तो हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षता के लिए बहुत सही कदम होगा। हमने इस चर्चा के माध्यम से आम जनता को, आम पब्लिक को, सभी को यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से टेक्निकल चीजों का हमारे जीवन में उसका इंपॉर्टेंस रहता है, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, रख सकते हैं। मैं सभी पैनलिस्ट का, यंग जनरेशन का, और जो हमारे पैनलिस्ट ने, न्यूज पैनलिस्ट ने कहा कि ये हीरे, ये सचमुच में हीरे हैं, ऐसे कई हीरे हमारे देश में मौजूद हैं, इनको तराशना है, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत जरूरी होता है। ऐसी किसी और चर्चा के साथ में हम फिर से हमारे दर्शकों के साथ में हाजिर होंगे। सभी पैनलिस्ट का एक बार धन्यवाद करता हूँ, बने रहे हमारे साथ में NBC News और सिटी न्यूज पर। नमस्कार।